अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाही वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत पते की बात बताने वाला हूँ। ये ऐसा एक सीक्रेट है जो शायद ही किसी को मालूम होगा। आप लोगों ने एक वाक्या जरूर सुना होगा जो मैं इससे पहले वीडियो में डिटेल में बता चुका हूँ, लेकिन शॉर्ट में वाक्य को मैं इस वीडियो में बयान किए देता हूँ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया, वो वाक्या हर मुसलमान के याद ही होगा। तो आप जानते हैं, जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो जो छिपकली यानी के गिरगिट जो है वो उस आग में फूंक मार रहा था, यानी वो ये चाहता था कि ये आग और तेज भड़के, लेकिन दुनिया की तमाम मखलूकात उस आग को बुझाने की कोशिश कर रहे थे। उन्हीं में एक ऐसा बेजुबान जानवर था जिसको हम लोग मेंढक के नाम से जानते हैं। जब मेंढक को ये पता चला कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा रहा है, भले ही उस मेंढक की कोई औकात नहीं थी, लेकिन मेंढक ने पूरी कोशिश की। मेंढक भागता भागता दरिया के किनारे गया और दरिया के किनारे जाकर अपने अंदर जितना पानी आ सकता था उतना भरने की कोशिश की। समुन्दर ने उस मेंढक से पूछा, अरे भाई, आप तो रोज पानी पीने आते थे, आज आप पानी लेकर कहाँ जा रहे हैं? तो मेंढक ने कहा, ए दरिया, क्या तुझे मालूम नहीं कि अल्लाह के नबी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा रहा है? मैं उसको बुझाने के लिए इस पानी को लेकर जा रहा हूँ। भले ही उसके पानी से आग नहीं बुझती, लेकिन उस बेजुबान जानवर ने कोशिश की आग को बुझाने की। यही बात अल्लाह तबारक व तआला को बहुत पसंद आई और वहाँ छिपकली यानी के गिरगिट आग को भड़काने की कोशिश कर रहा था और यहाँ पर मेंढक आग को बुझाने की कोशिश कर रहा था। तब से छिपकली को मारने का हुक्म है और मेंढक को बचाने का हुक्म है। सीक्रेट बात जो मैं करने वाला हूँ वो ये है कि आजकल हमारे घरों में भी मेंढक आ जाता है और हम लोग उससे घिन करने लगते हैं, यानी कि उसको देखकर हम लोगों का दिल घबरा जाता है। हालांकि ऐसा हम लोगों को हरगिज नहीं करना चाहिए। मेंढक भी अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करता है, इसलिए जब भी आप लोगों के घर में मेंढक आए तो उसको बड़े प्यार से अपने घर से बाहर निकालें। कभी भी मेंढक को हाथ मत लगाना मारने की नियत से, वरना आप लोग बर्बाद हो जाओगे। भले ही इंसान की दुआ जल्दी कबूल ना हो, लेकिन बेजुबान जानवर की दुआ अल्लाह तबारक व तआला बहुत जल्द कबूल फरमा लेता है। छिपकली आपके घर में दिखे, आप लोग बिना मारे उसको मत छोड़ें, लेकिन मेंढक आप लोगों को दिखे तो बड़ा प्यार से आप लोग अपने घर या बेडरूम से उस मेंढक को बाहर कर दें। इसी में आप लोगों की भलाई है। उम्मीद है आप लोग आज समझ गए होंगे कि मेंढक को इस्लाम में मारना कैसा है। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको नेक बात सुनकर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखिए, क्या मालूम किसकी जबान से निकला हुआ आमीन कब कबूल हो जाए। ना जाने कितने लोग अनजाने में मेंढक को मार देते हैं और अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। आप लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश है उन तमाम लोगों तक इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि हर मुसलमान इस चीज से महफूज रह सके। अल्लाह तबारक व तआला आपको इसका अजर देगा। अभी आप लोग कहीं जाइए मत, हमने आप लोगों की स्क्रीन पर दो ऐसी वीडियो लगा दी हैं जो आप लोगों के बहुत काम आने वाली हैं। आप लोगों से गुजारिश है इन वीडियो पे क्लिक कीजिए, इन वीडियोस को भी देखिए। सामने राउंड राउंड में हमारा एक नया चैनल आ रहा है, उसका लोगो है, इस चैनल को विजिट कीजिए और उस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें जरूर सपोर्ट कीजिए।